हेलो दोस्तों, मैं विभूति बराल और मेरा वाइफ रूपा। आज आपको दिखाऊंगा हमारा जो खाना है पखाड़ भात बोलते वो कैसा है। तो ये है पखाड़ भात, ये राइस में बनता है। तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिया था, तो आप देखिएगा, 3-4 दिन पहले दिया था। ये हमारा पखाड़ भात है, उसके बाद है अंडा फ्राई, आप देख सकते हैं, ये अंडा फ्राई, ओके, ये अंडा, एग और प्याज, और उसमें सोरिस में डालते, सोरिस मिर्ची ये डाल के फ्राई करते हैं ऐसा, ये बना, और हल्दी भी डालते हैं और मिर्ची का पाउडर भी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है करी, दो टाइप का करी है, एक मिक्स करी है, आलू हर चीज़ का, जो आलू और वो बैंगन सब्जी 8-10 टाइप का पड़ता है, और उसके बाद बनाया जाता है। और एक है मिक्स करी, ये वाला पनीर करी, पनीर मिक्स करी है बोलते हैं, इसमें पोटल आलू और भुट्टा हर तरह का 10-15 जो सब्जी डालते हैं इसमें, ये बनता है। ये देखिए, इसमें भी पनीर है, ये देखिए, देख सकते हैं, ये पनीर है, ये इसमें पोटल भी है, तो ऐसा, और ये मटर भी है, ऐसा बनता है हर चीज़। उसके बाद आता है ये हमारा, ये जो बोलते हैं जन्नी, और ये प्याज लहसुन, इसको चकटते हैं और इसको खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खाना खाने का तरीका। तो उससे पहले मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी भी नीचे दिया गया, घंटी में दबा दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके, और हर वीडियो आपको अच्छा लगे या कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कैसा खाना खाते हैं। ये मेरा वाइफ है, देखिए कैसा लगते हैं। और इसमें नमक भी मिलाना, आप टेस्ट के तरह कैसा लगता है। ये जो खाना है आपका बहुत अच्छा डाइजेशन होगा। आप यदि कौन सा एक रहते हैं, जो शुगर आदमी रहते हैं और जो जिनका डाइजेशन नहीं होता है, उनके लिए मस्त रहता है। अंडा है, ये भी करी है, देखिए
ऐसा फैमिली के साथ आपका वाइफ और अभी आपका बच्चा और कौन से भी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा आपका प्यार रहना चाहिए, उनसे बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसा आप फैमिली में जैसा ऐसे चलते तो आपका लाइफ ऐसा अच्छा रहेगा, जैसा जितना खुश रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद करी करी होटल का है जैसे एक खत्म हो गया और जैसे खत्म हो गया दो आपको पेट पेट पूरा ठंडा रहेगा कितना खाएगा। Thank you.
खाना हो गया खत्म, पूरा खाली हो गया, ये भी खाली है, खाना पूरा खत्म हो गया, कि पूरा चीज खाली है। तो अभी जो खाना खाए उसमें पानी रहता है, देखिए इसमें पानी पानी गिर गया है, इसमें पानी रहता है तो इसको पी लेते हैं। ये पिए तो आपका जो बहुत अच्छा डाइजेशन रहेगा और पेट पूरा ठंडा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा। आप सबका वीडियो के एंड तक देखने के लिए मेरा और मेरा वाइफ का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।